हेलो फ्रेंड्स, वेलकम टू गीताकिनो.com। गीताकिनो.com में आपका स्वागत है। आज हम बनाने जा रहे चना दाल चाट और चना दाल नमकीन। चना दाल नमकीन तो इजीली बाजार में मिल जाती है, पर ये जो चाट है वो आपने ट्रेन में खाई होगी। अगर आपने कभी ट्रेन में सफ़र किया होगा तो ये बहुत ही अच्छी लगती है। वहाँ पर हम ट्रेन में इसे इंजॉय करते हैं, तो इसे आज हम घर पर बनाएंगे बहुत ही आसान तरीके से। और साथ ही हम बनाएंगे चना दाल नमकीन, जिसे आप स्टोर करके रख सकते हैं, कभी भी खा सकते हैं। तो इसे बनाने से पहले अगर आपने मेरा चैनल सब्सक्राइब नहीं किया है तो प्लीज़ आप उसे सब्सक्राइब कर लें, और सब्सक्राइब करने के बाद आपको एक बेल आइकन दिखेगा जिसे आपको ज़रूर क्लिक करना है, जिससे कि मेरी आने वाली वीडियोज़ का नोटिफिकेशन आपको सबसे पहले पहुँचे और आप मेरी वीडियोज़ को सबसे पहले देख पाएँ। तो आइए बनाना स्टार्ट करते हैं चना दाल नमकीन और चना दाल चाट। चना दाल चाट बनाने के लिए मैंने चने की दाल भिगोकर रखी थी करीब 5-6 घंटे के लिए। एक कप दाल है ये, और ये देखिए फूल चुकी है। एक बड़ा प्याज जिसे मैंने बारीक काट लिया है, एक टमाटर इसे भी मैंने बारीक काट लिया है, इसका बीज का जो बीज वाला हिस्सा होता है मैंने इसे नहीं लिया है। यहाँ पर हम स्वाद अनुसार चाट मसाला लेंगे, जैसा भी आप पसंद करते हैं उस हिसाब से डाल सकते हैं। नमक स्वाद अनुसार, लाल मिर्च भी स्वाद अनुसार। मैं यहाँ पर ये चीज़ें कम डालूंगी क्योंकि मैं बच्चों के लिए बना रही हूँ। नींबू का रस 1 टेबलस्पून, 2 हरी मिर्च मैंने बारीक काट ली है, आप इसे अवॉइड भी कर सकते हैं अगर आप बच्चों के लिए बना रहे हैं। तो सबसे पहले हम दाल का पानी निकाल लेंगे। दाल को हमें बिल्कुल सुखाना है, इसमें बिल्कुल भी पानी नहीं रहना चाहिए। मैंने दाल का पानी सारा निकाल लिया है, इसे अच्छे से छान लिया है। इसके बाद हम इसे एक कॉटन टॉवल पे फैला लेंगे और इसे हमें कपड़े से अच्छे से पोंछना है ताकि इसका जो पानी है वो बिल्कुल सूख जाए। इसमें बिल्कुल भी पानी नहीं रहना चाहिए, नहीं तो जब हम इसे फ्राई करेंगे तो पानी के छींटे आएंगे और हम जल सकते हैं। तो इसलिए इसका बिल्कुल पानी जो है वो हमें अच्छे से सुखा देना है। तो हम इसे कॉटन के कपड़े से इस तरीके से सुखाएंगे, और इस तरीके से सुखाने के बाद हम इसे किसी प्लेट में फैलाकर पंखे के नीचे रख देंगे ताकि इसका जो पानी है वो बिल्कुल सूख जाए, इसमें बिल्कुल भी पानी ना रहे। तो ये देखिए, मैंने दाल को अच्छे से पंखे के नीचे सुखा लिया है, और अब हम इस तरह की स्टील की छन्नी लेंगे और इसमें थोड़ी थोड़ी दाल करके कढ़ाई में फ्राई करेंगे। तो हम कढ़ाई में तेल गरम कर लेते हैं, तेल तेज़ गरम होना चाहिए। ये देखिए हमारा तेल तेज़ गरम हो चुका है, अब मैं इसे मीडियम पे कर दूंगी। गैस को मैंने मीडियम पे कर दिया है। हम इस तरीके से दाल थोड़ी थोड़ी दाल लेंगे, छन्नी में स्टील की छन्नी होनी चाहिए, इसे इसके अंदर हम डिप कर देंगे। ये देखिए इस तरीके से हम छन्नी का यूज़ करें ताकि हमारी दाल कढ़ाई में फैले ना और इसे फ्राई करने में आसानी हो। इसे 3 से 4 मिनट तक फ्राई करना है, जब तक ये क्रिस्पी ना हो जाए, इससे ज़्यादा फ्राई नहीं करेंगे। हल्का सा लाइट गोल्डन ब्राउन कलर की हो जाए तब तक फ्राई करना है, और चम्मच से इसे लगातार चलाते रहेंगे ताकि ये हर तरफ से गोल्डन ब्राउन हो जाए, क्रिस्पी हो जाए। ये देखिए इस तरीके से हम इसे लगातार चलाते रहेंगे। ये देखिए मैंने दाल को फ्राई कर लिया है, और ये हल्का सा इसका कलर चेंज हो गया है, लाइट गोल्डन ब्राउन की हो गई है। आप इसे हिलाएंगे तो इसमें से आप देखेंगे आवाज़ आ रही होगी, जिसका मतलब हमारी दाल बिल्कुल फ्राई हो चुकी है। मैंने इसे 3-4 मिनट के लिए फ्राई किया है, अब इसे हम प्लेट में निकाल लेंगे और बाकी की दाल भी इसी तरीके से फ्राई कर लेंगे। आप इसे प्लेट में डालेंगे तब भी आवाज़ आएगी, तो इससे पता चल जाता है कि हमारी जो दाल की नमकीन है वो तैयार हो गई है। बाकी दाल भी हम इसी तरीके से फ्राई कर लेते हैं।
ये देखिए मैंने सारी दाल फ्राई कर ली है और ये देखिए बिल्कुल पक चुकी है। जब आप इसे नीचे गिराएंगे तो आवाज़ आएगी, इससे पता चल जाता है कि हमारी दाल अच्छे से पक चुकी है, हमारी नमकीन तैयार हो गई है। अब इसमें हम मसाले ऐड करेंगे। मसाले हमें गर्म दाल में ही ऐड करने हैं, हम अपने टेस्ट के हिसाब से मसाले ऐड करेंगे। ये मैंने नमक ऐड कर दिया, चाट मसाला, ये सारे मसाले आपको अपने टेस्ट के हिसाब से ऐड करने हैं। मैं यहाँ ये बच्चों के लिए बना रही हूँ तो हल्का मसाला डालूंगी, अगर आप अपने लिए बना रहे हैं तो तेज भी डाल सकते हैं। हम इसे अच्छे से मिक्स कर लेंगे। गरम दाल में मसाले मिक्स करने से ये अच्छे से दाल में चिपक जाते हैं। अगर दाल ठंडी हो जाती है और आप फिर मसाले ऐड करेंगे तो ये चिपकेंगे नहीं। ये देखिए इस तरीके से हम ये मसाले मिक्स कर लेंगे और ये हमारी चना दाल नमकीन तैयार हो गई है जो बाजार में मिलती है। आप इसे ठंडा करके एयर टाइट कंटेनर में स्टोर करके रख सकते हैं, जब भी आपका मन करे आप इसे खा सकते हैं। अब इसके बाद मैं आपको दिखाऊंगी चना दाल चाट बना के, जो आपने अक्सर ट्रेन में खाई होगी। जब भी हम ट्रेन में जाते हैं तो एक आदमी आता है जिसने बाल्टी में चना दाल रखी होती है और वो हमें चाट बना के देता है, तो आज हम वही चना दाल चाट घर पे बनाने वाले हैं। तो ये हमारी चना दाल नमकीन हो गई है, अब हम चना दाल चाट बनाते हैं। चाट बनाएंगे उसके लिए मैंने ये बाउल लिया है, इसके अंदर हम सारी चीज़ें ऐड कर देंगे। सबसे पहले ये टमाटर, प्याज, हरी मिर्च, दाल, हल्के से मसाले, चाट मसाला, नमक। ये मसाले हमने पहले भी ऐड किए थे इसलिए हम ज़्यादा नहीं करेंगे, हल्का हल्का सा करेंगे। ये मैंने लाल मिर्च डाल दी। अब हम थोड़ा सा नींबू का रस डालेंगे और इसे अच्छे से मिक्स कर लेते हैं। और ये तैयार हो गई हमारी ट्रेन वाली चना दाल चाट, जो खाने में बहुत ही टेस्टी लगती है। तो आप इसे घर पे बहुत ही इजीली तैयार कर सकते हैं। अब इसे हम सर्व करेंगे। वहाँ पर वो हमें पेपर कोन में देता है, उसके पास एक अखबार होता है जिसका वो कोन बनाकर उसमें सर्व करता है। आप चाहे इसे प्लेट में डालकर खाएं या फिर पेपर कोन में, तो ये खाने में बहुत ही टेस्टी लगती है। अगर आपको मेरा ये वीडियो अच्छा लगता है तो प्लीज़ मेरे वीडियो के नीचे लाइक का बटन क्लिक करें और मेरे चैनल को सब्सक्राइब करना ना भूलें।